तो लेक्चर 12 हमारा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जब आपके ऑल सिक्स केसेस, ठीक है, ऑल सिक्स केसेस आप चेक कर लेंगे और वो नहीं लगता है, आपका मतलब fv.y इक्वल टू x, ये मौजूद है, ये आपका ऑल सिक्स केसेस में लाई नहीं करता है, तो आप देन इस केस को मतलब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड को यूज करेंगे। तो स्टेप वन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी एफ निकाल लेंगे। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऑल सिक्स केसेस नहीं बनते तभी आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज है। स्टेप टू में आपका सी एफ आपका कुछ इस फॉर्म में होगा, आपको पता है c1 y1 c2 y2, ठीक है, तो आप कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, लाइक आपका कुछ भी होगा c1 e raise to 2x + c2 e raise to -3x, तो ये जो आपके हैं ये y1 एंड दिस विल बिकम y2, तो आप कंपेयर करेंगे। स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे आप, फाइंड y1 एंड y2 एंड y1 डैश, जब आपको ये पता चल जाएंगे तो उनका डिफरेंशिएशन y2 डैश। जब आपने इतना निकाल लिया तो आप स्टेप फोर निकालेंगे, एक कॉमन टर्म निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं एक डिटरमिनेंट से, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये आपका हो गया y1 y2 डैश - y2 y1 डैश, ठीक है, आपने इतना निकाल लिया। मैं मतलब 3 सेकंड तक इसको रोक रहा हूँ, बाकी आप पॉज करके भी इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देन स्टेप फाइव में आप निकालेंगे यू एंड वी, ठीक है, अब यहाँ पे यू एंड वी के तो फिर आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यू और वी के फॉर्मूले क्या हैं कि यू इंटीग्रेशन ऑफ -y2 dot x upon कॉमन टर्म एंड वी विल बी y1 dot small x upon कॉमन टर्म, ठीक है। तो पहले आपने सी एफ निकाला, सी एफ इस फॉर्म में कुछ आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको आपने कंपेयर किया, ठीक है, उसको आपने कंपेयर किया, आपको y1 y2 मिले, y1 dash y2 dash आपने निकाला स्टेप थ्री में, स्टेप फोर में आपने कॉमन टर्म निकाला y1 y2 dash - y2 y1 dash, स्टेप फाइव में आपने यू एंड वी निकाले, ठीक है, यू में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ -y2 X, ठीक है, कैपिटल एक्स हमारा इक्वेशन के राइट साइड में होता है अपॉन सी टी, और वी आपका आया इंटीग्रेशन ऑफ y1 small x upon c t, ठीक है, तो वी आपका y1 से रिलेटेड है और फिर ये y2 से रिलेटेड है, तो ये अंतर है, और अपोजिट माइनस वी के उस हिसाब से इधर माइनस साइन है। और फाइनल एंड स्टेप सिक्स आपका फाइनल, सी एफ आपने तो खुद ही निकाल लिया था, सी एफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सी एफ निकालते टाइम आप एफ डी वाई को 0 के इक्वल लग देते हैं, जबकि यहाँ पे एक्स होता है वो कुछ भी हो सकता है, हम रिवाइज कर ले रहे हैं, एफ डी डॉट वाई आपका एक्स के इक्वल है, तो सी एफ निकालते टाइम तो आप 0 के इक्वल रख लेने, तो एक्स कुछ भी हो हमको कोई दिक्कत नहीं, पर अगर एक्स है और वो उन सिक्स केसेस से डिफरेंट है, उन सिक्स केसेस में लाई नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, तब आप इस मेथड पे जाएंगे, तो आपका पीआई जो होगा, आपका फाइनल पीआई होगा u y1 + v y2, ठीक है, u आपने निकाल लिया, v आपने निकाल लिया, y1 भी आपने निकाल लिया था और y2 भी आपने निकाल लिया था, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा CF + PI, ठीक है, मुझे भी बड़ा बढ़िया लगा ये मेथड, कुछ अलग सा, तो इस पे एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, बस अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास d2y/dx2+y = sec2, sec²x हमारे उन ऑल सिक्स केसेस में लाई नहीं करता है किसी भी तरीके से, तो हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ करेंगे यू एन वी वाला, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे शॉर्ट टर्म में, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यू एन वी, वेरिएशन से वी, तो यू एन वी वाला मेथड।
तो सी एफ तो आपको निकालना पड़ेगा, तो एम स्क्वायर प्लस वन इजक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम इजक्वल टू प्लस माइनस आई, तो सी एफ आपका जो हो गया, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई से कंपेयर किया, अल्फा आपका जीरो है, बीटा आपका वन है, अल्फा जीरो है मतलब ई रेस टू अल्फा एक्स जो बाहर होता है वो तो आपका जीरो, मतलब ई रेस टू जीरो वन हो गया, तो आपका सिर्फ सी वन कॉस एक्स एंड सी टू साइन एक्स बचा। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर विद y1 c1 प्लस y2 c2 या आगे पीछे लिख लो कोई बात नहीं, आपका y1 आ गया cos x एंड y2 विल बी sin x, ठीक है, तो cf तो हमने निकाल लिया, इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने में इस्तेमाल करेंगे लास्ट में, फिलहाल हमने y1 y2 निकालने के लिए यूज किया, y1 dash विल बी माइनस sin x, y2 dash विल बी cos x, ठीक है, कॉमन टर्म विल बी y1 मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये अच्छा है, कॉमन टर्म वन आ गया तो हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो गया। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ u माइनस, ठीक है, y2 x, ओके, dx अपॉन कॉमन टर्म, ये आपका आया माइनस, अब बाई टू आपका क्या निकला था, ये निकला था साइन एक्स, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स अपॉन वन, तो ये आपका क्या बन गया, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स में से अगर आप एक सेक को अलग कर दें और एक सेक को नीचे ले जाए तो साइन अपॉन कॉस विल बिकम टेन, तो सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स आ गया आपका माइनस ऑफ सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ऑफ सेक एक्स, ऐसे ही आप वी के लिए निकाल लें, वी का सिंपल फॉर्मूला है वाई वन इंटू स्मॉल एक्स अपॉन सी टी डी एक्स, ठीक है, वी का फॉर्मूला सिंपल है, तो अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन है कि ये एक्स भी कैपिटल ही है, वो गलती से डिनोट हो गया, मतलब स्मॉल नहीं है कुछ भी, कैपिटल एक्स आपको वही रखना है, ठीक है, बट वाई वन के साथ रखना है, तो वाई वन आपका कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन, तो दिस विल बिकम सेक एक्स ओनली, सेक एक्स डी एक्स, sec x dx होता है log sec x प्लस टेन एक्स, ये होता है आपका ये, तो ये आपका आया u एंड ये आपका आया v, अब pi आपका क्या होता है, u y1 प्लस वी बाई टू, इसको मैं रेज करके सही उससे लिखता हूँ, ठीक है, तो यू आपका माइनस सेक एक्स और वाई आपका कॉस एक्स, तो सेक एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो गया माइनस वन एंड वाई टू आपका हुआ साइन एक्स, साइन एक्स आपने लिख दिया और वी आपका है लॉग ऑफ ई बेस ई sec x प्लस टेन एक्स, तो ये आपका pi आ गया, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी माइनस वन प्लस साइन एक्स log sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस c1 cos x प्लस सी टू साइन एक्स, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट में निपटा दिया, सारी चीज़ों को सही से दिखाते हुए, आपने कंपेयर किया सी एफ निकाल के, देखो वाई वन वाई टू आपको मिला, उसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया और आपने कॉमन टर्म निकाल लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, तो आपका आया वन, तो कैलकुलेशन और सिंपल हो गई,
तो यू आपका माइनस वाई टू डॉट एक्स जो आपका इधर मौजूद है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉमन टर्म, तो आपने निकाला तो आपका आया माइनस सेक एक्स। बी आपका वाई वन, यहाँ माइनस नहीं होता बस इतना अंतर है, वहाँ पे वाई टू यूज करा है या वाई वन, इंटू कैपिटल एक्स अपॉन सी टू, तो वही सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आ गया आपका लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो पी वाई आपका वो यू इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू, तो ये आपको सॉल्व होके ये आया।